Hello friend, this is Oracle Apex tutorial by Javainhand. आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपका ना जाता टाइम वेस्ट करके बताया आज के हमारे लर्निंग टॉपिक वीडियो लर्निंग टॉपिक की, जो कि है हमारा डायनेमिक रिएक्शन का पार्ट थर्ड, जो हमारी थर्ड वीडियो है डायनेमिक रिएक्शन की, जिसमें हम आपको हाउ टू एनेबल और डिसेबल आइटम यूजिंग डायनेमिक रिएक्शन, हम आइटम्स को अनेबल और डिसेबल करेंगे डायनेमिक रिएक्शन के थ्रू। सो किस तरीके से, यहाँ पे हमने आपको एक बेसिक से एग्जांपल आपको शो करवाते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे एक फॉर्म हमने जनरेट कर रखा है। फॉर्म में हमारा क्या है, यूजर में हमारा क्या न्यू और ओल्ड, मैंने आपका आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर। हमने भी एक स्मॉल बेसिक से एग्जाम्पल आपको शो कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने क्या कंडीशन दे रखी है डायनेमिक रिएक्शन की, जब तक आप यूजर सेलेक्ट नहीं करते हो, आप क्या करोगे, किसी भी आइटम्स के अंदर वैल्यूज फिल नहीं कर सकते। जैसे कि आप देन हमारे आती है अभी आप देखेंगे हमारी फर्स्ट डायनेमिक एक्शन है। सेकेंड हमारा डायनेमिक एक्शन आता है जब जैसे कि आप यूजर न्यू सेलेक्ट करते हो, तो आपको बस आपको दो ही फील्ड ओपन होती है फिलअप करने के लिए फॉर्म। सो ये क्या होगा हमारा, बट आप थर्ड में टाइप नहीं कर सकते। इसी तरीके से जैसे कि आप ओल्ड में सेलेक्ट करते हो, तो आपका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है वो क्या होता है, डिसेबल मोड में चला जाता है, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो क्या हो जाता है, अनेबल शो हो जाता है। सो ये था हमारा बेसिक सा एग्जांपल, जिसको हम आपको करके दिखाएंगे कि हमारे हमने किस तरीके से इस पर डायनेमिक एक्शन का यूजेस किया है। सो हम सबसे पहले चलते हैं अपने एडिट पेज की तरफ। एडिट पेज में जब आप आते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चार आइटम्स को क्रिएट कर लीजिए। जो आपका पहला आइटम होगा, आपको क्या करना है, उसे रेडियो ग्रुप जो आपका टाइप होगा उसे क्या सिलेक्ट करना है, रेडियो ग्रुप। देन आपको सेटिंग्स में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को आपको किस में करना है, टू। बाय डिफॉल्ट ये आपको क्या देगा, वन। देन आपको आना है लिस्ट ऑफ वैल्यूज में। लिस्ट ऑफ वैल्यूज में आपको क्या करना है, स्टैटिक वैल्यू सिलेक्ट करना है। स्टैटिक वैल्यू में से आप क्या करना है, डिस्प्ले में आपको लिखना है न्यू, रिटर्न में एन। इसी तरीके से डिस्प्ले में ओल्ड और न्यू, और आपको क्या करना है, डिस्प्ले एक्स्ट्रा वैल्यूज में नो, डिस्प्ले नल वैल्यूज में नो, क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यूज शो नहीं करवानी, कोई भी डिस्प्ले कोई भी नल वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवानी, तो हमें क्या करना है, इसको नो करना है। देन आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर। अब हम क्या करते हैं, हमारा क्या होगा फ्रंट एंड, आपको क्या होगा, ये जैसे कि आप देखेंगे रिडायरेक्ट करवा के, आपको ये फ्रंट एंड आपको तैयार हो गया। अब इसके बाद हमारा जो सबसे पहले डायनेमिक एक्शन कि जब तक यूजर न्यू और ओल्ड में से इन रेडियो बटन से सिलेक्ट नहीं करता, जब तक क्या करना है, आइटम्स को डिसेबल रखना है। तो हमें क्या करना है, अनेबल एंड डिसेबल फर्स्ट जो हमारा डायनेमिक एक्शन, उसमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन में आपको अनेबल डिसेबल जो भी आप लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। इवेंट वैन में क्या करना है, आपको वैन में आपको करना है कि आपका इवेंट आपको सिलेक्ट करना है चेंज, सिलेक्शन टाइप में आपको सिलेक्ट करना है आइटम्स, और आइटम्स में आपको सिलेक्ट करना है P1 न्यू यूजर। देन आप आ जाइए क्लाइंट साइड कंडीशन में। क्लाइंट साइड कंडीशन पर आपको जो फर्स्ट कंडीशन है, जब तक आइटम्स इज नल, जब तक आइटम में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, किस आइटम के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, P1 न्यू अंडरस्कोर यूजर के अंदर। सो आपको क्या करना है, इसका ट्रू एक्शन में आपको क्रिएट करना है। ट्रू एक्शन में आपको एक्शन क्या डालना है, डिसेबल सिलेक्शन टाइप में आइटम्स, और आपके जो भी आइटम्स आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करवा लेते हैं। देन आपको क्या करना है, फायर ऑन इनिशियलाइजेशन आपको क्या करना है, यहाँ पे यस करके रखना है, और आप इसको सेव करेंगे और रन करवाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब तक आप कोई भी वैल्यू यूजर सिलेक्ट नहीं करता, तब तक क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो डिसेबल मोड में। अब हम आते हैं इसके, जब हम इसको न्यू सिलेक्ट करते हैं, तो मोबाइल नंबर किस तरीके से हमने इसको डिसेबल मोड में ले लिया। सो अब आ जाइए, इसको हम क्लोज कर देते हैं हमारे सेकेंड डायनेमिक एक्शन। सेकेंड जो हमारा डायनेमिक एक्शन है, इसमें क्या करना है, आपको सेम उसी तरीके से इसमें इवेंट आपको वही सिलेक्ट करना जो आपने प्रीवियस वाले डायनेमिक एक्शन में क्रिएट करा था, चेंज आइटम P1 यूजर। क्लाइंट साइड कंडीशन में आपको क्या करना है,
क्लाइंट साइड कंडीशन में आपको टाइप में सिलेक्ट करना आइटम इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू में पी अंडर स्कोर न्यू अंडर स्कोर यूजर, इसमें आपको वैल्यू सिलेक्ट करना एन, एन सिलेक्ट जो हमारा स्टैटिक वैल्यू में आपने रेडियो बटन में आपने जो दिया है रिटर्न जो आप करवा रहे हैं वो वैल्यू आपको यहाँ पे पास करनी है। आपने यहाँ पे एन पास करते हैं, जब भी आइटम इक्वल टू वैल्यू पी वन एंड इसको न्यू के अंदर एन मिलता है इसको, तो हम क्या करते हैं इसको डिसेबल करवा देते हैं। एक्शन में हमको क्या एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, डिसेबल सिलेक्शन टाइप आइटम्स, आइटम्स में पी वन मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो कि हम अभी डिसेबल करवा रहे हैं, और इसका हम एक अपोजिट एक्शन क्रिएट कर देते हैं। और सेव करने के बाद आप इसको रन करवाएंगे, तब यहाँ पे आपको शो होगा कि जैसे ही आप इसको न्यू सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो फर्स्ट और लास्ट नेम आपका एडिटेबल होगा और मोबाइल नंबर आपका क्या होगा डिसेबल फॉर्मेट में। सेम इसी तरीके से आप थर्ड डायनेमिक एक्शन के यूज करेंगे, जब भी आपका ओल्ड आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या होगा डिसेबल मोड में और मोबाइल नंबर एनेबल मोड में। इसको हमने किस तरीके से किया है वो देख लेते हैं हमारे थर्ड डायनेमिक एक्शन में। और आप एक बार जरूर ध्यान रखें कि इसके आइडेंटिफिकेशन को हमेशा क्या करें, डिफरेंशिएट करिए कि आपका कौन सा डायनेमिक एक्शन क्या काम कर रहा है। जैसे कि अभी हमने फिलहाल इसमें क्या करा, एनेबल डिसेबल वन, एनेबल डिसेबल टू, एनेबल डिसेबल थ्री आइडेंटिफिकेशन, तो हमें ये पता चला हमारा जो इस आइटम के ऊपर जो पहला डायनेमिक एक्शन है वो एनेबल डिसेबल का ही है, फिर सेकेंड में अनेबल डिसेबल और थर्ड में अनेबल डिसेबल। अब हम क्या कर रहे थे थर्ड डायनेमिक एक्शन, जिसमें हमें क्या करना है चेंज इवेंट, इवेंट हमारा वही है चेंज, आइटम्स हमारे सिलेक्शन टाइप भी वही रहेगा आइटम्स, आइटम्स जो हम भी क्या करेंगे वही सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन क्लाइंट साइड कंडीशन में हमारी चेंज हो जाती है, आइटम वैल्यूज में क्या हो जाता है पास होता है हमारा जीरो, जो हमारी रिड्यूस बटन की स्टैटिक है जो हम दूसरी वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, तो उसमें हमें किसे डिसेबल करना है सिलेक्शन टाइप में आइटम्स में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, और इसका एक अपोजिट एक्शन आप क्रिएट कर देंगे और इसको आप सेव करेंगे और रन करेंगे, तो आपका ये एक्शन पूरा आपका एनेबल डिसेबल का पूरा एक फॉर्म एनेबल डिसेबल के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली। सो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना भी ना भूलें हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।